इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी करता होगा कि ये भी किसी और का एटीएम होगा, जैसे इसके खाते से बहुत सारे रुपए उड़ा लिए गए हैं जो कि पैसा मिलने वाला नहीं है। जैसे देख सकते हैं यही वो एटीएम है जो लड़का छोड़ के गया है और इनका एटीएम लेके चला गया, क्योंकि आज ये लड़की के साथ घटना हुआ है तो आपके साथ भी ये घटना हो सकता है। क्योंकि अगर बिहार की राजधानी पटना का यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि 76 रुपीज, अच्छा 76 रुपीज थे ओनली, सारा पैसा कट चुका था। अच्छा पैसा जो निकला तो कितना देर के बाद ये मैसेज आता है? मैसेज नहीं आया, मैसेज आया ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी और मैं हूँ प्रकाश जसवाल, और अभी देख सकते हैं मेरे बगल में एक लड़की खड़ी है जिसके साथ एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड हो गया। दोस्तों अभी मैं बिहार की राजधानी पटना के बिकना पहाड़ी में हूँ और यहाँ पर एक एटीएम में एक लड़की के साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। इनके साथ क्या हुआ है सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा लाइव प्रूफ है इन्हीं लड़की के साथ ये घटना हुआ है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेघा पाठक। आपके साथ क्या हुआ है पूरा डिटेल में बताइए दर्शकों को, ताकि इसके बाद कोई और घटना ना हो। तो 26 तारीख को सुबह में ना गए थे पैसा निकालने के लिए मेरी बहन का, हम दोनों हॉस्टल में रहते हैं तो मेरी बहन का तबीयत खराब था तो रात में तो कहीं नहीं जा सकते, हॉस्टल का रूल होता है कुछ, तो सुबह में गए मतलब दवाई लाने के लिए, तो उसके लिए पैसा चाहिए थे, गए थे पैसा निकालने के लिए। क्या होता है कि 26 तारीख को सुबह में 11 बजे जब एटीएम SBI का मेरा अकाउंट है उसमें गए थे मतलब निकालने के लिए पैसा, तो 1000 रुपया मात्र निकालते हैं हम, और जब एंटर करते हैं ना पिन तो उसमें से कुछ नहीं निकलता है, दिखाता है कि जो अवेलेबल नहीं है बैलेंस ऐसा कुछ। तो उसके बाद हम दूसरे एटीएम में ट्राई किए तो मेरे पीछे जो लड़का था ना, 2-3 लड़का था मेरे पीछे, तो वो बोलता क्या है इस एटीएम में पैसा नहीं है आप दूसरे में ट्राई करो। तो हम ICICI बैंक वाला में गए ट्राई करने के लिए तो उसमें भी नहीं निकला। उसके बाद मेरे पीछे जो 3 लड़का था खड़ा वो बोलता है क्या जो अच्छा इसमें भी आपका नहीं निकला, हम बोले नहीं। तो उसके बाद हम कार्ड लिए और चले गए। वो लड़का आपको क्या बोला रिपीट कीजिएगा? जो मतलब इसमें भी पैसा नहीं निकला, वो लोग भी पैसा निकालने के लिए खड़ा था, जब हम पीछे मुड़े ना जब दूसरे एटीएम में नहीं निकला तो पीछे देखते हैं तो कोई लड़का नहीं था वहाँ। अच्छा। हमको लगा पैसा निकालने खड़ा है तो हम निकलेंगे उसके बाद वो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद हम घर आए फिर अपने पापा का एटीएम लेके गए, उससे पैसा निकाले 1000, और मेरी बहन का जो एटीएम था वो यूज नहीं किया उसके बाद हम। उसके बाद क्या होता है कि उसके अकाउंट पे सीधा मैसेज वैसेज कुछ नहीं आता है, बस एक फ्लिपकार्ट वाला आया था तो उसको कटाने के लिए पैसा बैलेंस ऑनलाइन करते हैं कुछ भी, तो वो बैलेंस चेक करने के लिए रचना चेक की अपना अकाउंट, उसमें था 76 रुपीज। अच्छा 76 रुपीज थे ओनली? हाँ, सारा पैसा कट चुका था। अच्छा ये हादसा कितने बजे हुआ था? ये हुआ था 11 बजे जब हम गए थे एटीएम से पैसा निकालने के लिए, और मैसेज वैसेज कुछ नहीं आया, बस जब चेक की ना रचना तो 2 बज रहा था उस टाइम। अच्छा 2 बजे का, और उसी टाइम का था टाइमिंग, और उसी गली का भिकना पहाड़ी मोड़ का ये घटना है। अच्छा पैसा जो निकला तो कितना देर के बाद ये मैसेज आता है? मैसेज नहीं आया, मैसेज आया ही नहीं। ओटीपी होता है कि SBI में अगर आप 10000 रुपया निकालते हो तो जो जिसका अकाउंट रहता है उसके ओटीपी जाता है, तो वो हो सकता है कि कोई चालाक आदमी होगा या कुछ जानता होगा, पहले से ही ऐसा करता होगा फ्रॉड, पहले से ही बहुत सारे को किया होगा। तो यानी कि जब वो फ्लिपकार्ट वाले आए भैया तब आपको पता चला कि पैसा अकाउंट में नहीं है? हाँ, क्योंकि हम उनको बार बार चेक कर रहे थे तो मतलब पैसा भेजने के लिए तो नहीं था बैलेंस, तो अपना चेक किए अकाउंट जो कितना है मेरे में जो नहीं जा रहा है, तो कुछ बैलेंस नहीं था, 76 रुपीज बचे थे बस, और सारा मेरा कट गया था। अच्छा, तो 2 ATM से निकाला गया था। तो एक्चुअल में ये हादसा का कुछ पता चला कैसे हुआ था कुछ भी? वही 2-3 लड़का जो मेरे पीछे था वही क्या होगा। और उसके बाद क्या होता है कि शाम में जब हम अपना एटीएम निकालते हैं ना, जो मतलब नहीं होता कि सारा कुछ बैंक वाले को फोन करके सारा कुछ ब्लॉक करवाए, एटीएम वगैरह जितना फोन पे चलाते थे सारा कुछ ब्लॉक करवाए, होता है कि सारा कुछ मेरा फोन पे वगैरह सारा कुछ बंद हो गया, बस नेट बैंकिंग बचा हुआ था। तो वो बैंक वाली जो थी ना मतलब कॉल जिसको किए थे वो बोली क्या जो आप जाके किसी बैंक वाले शाखा जो होगा बगल में उसमें जाइएगा उसको करवा लीजिएगा, वही नेट बैंकिंग करने के लिए वो जो बंद करवाने के लिए एटीएम और वो पिन खोजे ना, तो उसमें निकला एटीएम जो मेरा था वो सेम टू सेम उसी के जैसा था, लेकिन अभी भी दिखा सकते हैं। हाँ एटीएम आप दिखाइए एक बार। ये निकला जो मेरा एटीएम था उसमें रचना कुमारी लिखा हुआ था और इसमें लिखा हुआ है अनुराग कुमार सिंह, मतलब एटीएम ही चेंज कर लिया गया और एटीएम में कुछ लगा के शायद क्लेम होता है, पता नहीं क्या होता है, जो हैकर होते हैं वो उनको पता होगा, मुझे नहीं पता, मतलब ये मेरा एटीएम नहीं है। दरअसल दोस्तों होता यूँ है कि जब ये लड़की जाती है एटीएम में पैसा निकालने के लिए तो वहाँ कुछ लड़के पहले से अवेलेबल होते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ होता क्या है ना कि वो पिन जो मतलब ये जो एटीएम अपना डालती है तो वहाँ पर पहले से भी उसमें एक एटीएम डाला होता है। ऐसा बाहर आश्चर्य लग रहा है कि मतलब कैसे कौन कर लिया,
वो मेरे पीछे तीन लड़का था, वो पहले से उसने फिक्स करके रखा था या पता नहीं क्या हुआ, नहीं पता चला कुछ भी कुछ पर। तो फिर आपने क्लेम किया या मतलब केस उस किया कुछ भी फाइल? नहीं, बस एक किए हैं क्लेम, तो यहाँ के तो पुलिस वगैरह के बारे में तो सब कुछ जानते ही है, बिहार है, क्लेम करने पे भी वो सब भी पहले पूछ ही मांगेंगे, उसके बाद एक क्लेम किए हैं बस, और एफआईआर बस। कौन सा क्लेम किया, कहाँ पे? ऑनलाइन। ऑनलाइन कहाँ पे ऑनलाइन किए हैं? जो एसबीआई के कस्टमर केयर होते हैं ना, उन्हीं को कॉल किए थे वो सब ठीक करने के लिए, ब्लॉक करने के, तो वही बोले हाँ सब कुछ कर दिए, केस रेस कर दिए, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। पैसा तो वो बोले पैसा तो मिलेगा नहीं, सब करने से कोई फायदा है नहीं, लेकिन जी आपके एटीएम से निकाला गया ना, वो मेरा एटीएम ही ले लिया, तो पैसा तो वापस आ नहीं सकता है। तो सरकार से आपके क्या मांग है? सरकार इसमें क्या कर सकती है हम? नहीं, वहाँ जो आप बता रहे हैं कि वहाँ गार्ड भी नहीं थी, हाँ, प्लस बताया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरा भी खराब था, कैमरा भी खराब था, और आज हम फिर से गए कि गार्ड अंकल होंगे वहाँ पे तो कुछ बोलेंगे, तो वहाँ पे कुछ मिस्त्री वगैरह नहीं होता है वो ठीक करने वाला, वो वहाँ पे थे भैया, तो हम लोग बोले आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हो गया मेरे साथ, वो बोलते हैं जाके कम्प्लेन दर्ज कराई, इसमें हम क्या कर सकते हैं ऐसा। आप देख सकते हैं बिहार की राजधानी पटना में किस प्रकार की घटना हो रही है, यहाँ तक कि ये लड़की बता रही है कि एटीएम में सीसीटीवी कैमरा भी खराब थी और गार्ड भी नहीं था, जिसके वजह से इनके साथ ये बड़ी घटना हो गई है। इसके खाते से बहुत सारे रुपए उड़ा लिए गए हैं, जो कि पैसा मिलने वाला नहीं है। अगर कोई मेहनत से 10 रुपया भी कमाते हैं ना, तो बहुत बड़ी बात होती है, और इनके कुछ लड़के आते हैं और उड़ा के आसानी से ले जाते हैं और अपना एटीएम छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने आपको ब्रदर पहले एटीएम दिखाया था, जैसा देख सकते हैं यही वो एटीएम है जो लड़का छोड़ के गया है और इनका एटीएम लेके चला गया। ये भी उसका एटीएम थोड़ी ना होगा, इससे भी कुछ नहीं पता लगा सकते हैं, क्योंकि वो इतना ज्यादा फ्रॉडबाजी करता होगा कि ये भी किसी और का एटीएम होगा, जैसे मेरी तरह, जैसे मेरा एटीएम गया वो किसी और के पास जाएगा, ऐसे ही वो ट्रांसफर। अच्छा, उस लड़के का फेस याद है आपको? हाँ, फेस याद है। दो लड़का था? तीन लड़का था, तीनों का फेस याद है। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि वो लड़का मतलब चोर है? शकल से तो कभी कभी पता भी चल जाता है, लड़का की तरह था, जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, हमको लगा वो भी लाइन। अच्छा, उसकी उम्र क्या हो सकती है लमसम, कुछ बता सकते हैं? 25-26। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 25-26 साल का लड़का है जो एक स्टूडेंट होंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर एक लड़की के साथ एक बड़ी दुर्घटना हो चुकी है। तो दोस्तों वीडियो के एंड में मैं मेघा जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से नहीं, बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप जाते हो एटीएम से पैसा निकालने, तो पिन जब एंटर करते हो उसके ऊपर हाथ रखो, उसके बाद जहां पे एटीएम वो करते हो तो उसको निकाल के थोड़ा देखो, क्योंकि वो जो फ्रॉडबाजी होता है ना वो डुप्लीकेट रहता है। हम बहुत सारा वीडियोस देखे यूट्यूब पे कैसे मेरा पैसा वापस आ जाए, इस वजह से तो हमको थोड़ा सा आइडिया हो गया अब। लेकिन बोलते हैं ना लोग धोखा खाने के बाद वो बुद्धि खुलता है, वही हुआ है मेरे साथ, और ऐसा मेरे ही साथ नहीं हुआ, ऐसा बहुतों के साथ होता है और पता नहीं चलता है, लोग अपने में रह जाते हैं और केस भी करते हैं, पुलिस केस भी करते हैं, तो कुछ नहीं होता है, पुलिस वाले भी पैसा थोड़ा बहुत लेते हैं लेकिन फिर भी उनका पैसा वापस नहीं आता है। तो व्यवस्था तो बहुत ही ज्यादा बिहार में खराब है, तो इसको लेके तो सब कोई जानते ही हो, थोड़ा सचेत रहो, खुद में ज्यादा सेफ्टी हो। चलिए, थैंक यू। वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आप लोग भी एटीएम में जाते हैं पैसा निकालने के लिए, तो एकदम सावधानी पूर्वक जाएं, क्योंकि आज ये लड़की के साथ घटना हुआ है तो आपके साथ भी ये घटना हो सकता है, क्योंकि अगर बिहार की राजधानी पटना का यह हाल है तो आप समझ सकते हैं कि और जिले का क्या हाल होगा। सरकार से निवेदन करूंगा कि जितने भी एटीएम लगे हुए हैं उसमें जा करके एक बार चेकआउट करें, क्योंकि गार्ड भी नहीं रहते हैं और सीसीटीवी कैमरा भी खराब रहता है। आप देख सकते हो यही वो विकना पहाड़ी मोड़ के पास एसबीआई का एटीएम है, जिस एटीएम में इस लड़की के साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड। जय हिंद, जय भारत।